कहने वाले कहते हैं कि हसबुना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब अल्लाह की काफी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं, हम किताबुल्लाह को खुद देखेंगे, खुद समझेंगे और खुद देखकर और समझकर जो हमारे तरीका समझ में आएगा उस पर चल पड़ेंगे। ये जो दावा किया जा रहा है ये दरहकीकत खुद कुरान करीम को न समझने का नतीजा है। पहली सूरत में सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह तौर पर बयान फरमा दिया कि सिरात मुस्तकीम वो नहीं है जो तुम अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी सोच से कुरान को देखकर समझो। सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह के इनाम मुनाम शुदा बंदों बंदे कार बन रहे हों। और क्या फरमाया, वत्तबे सबील मन अनाब इलई, उन लोगों का रास्ता अपनाओ, उन लोगों के पीछे चलो जो मेरे मुझसे रुजू करने वाले हैं। सबील मन अनाब इलई, वहां पर भी किताब का हवाला नहीं दिया, वहां पर भी हवाला दिया रिजाल का हवाला दिया, रिजालुल्लाह का हवाला दिया। तो इसका यही वजह है कि हजरत नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर आज तक दीन की सही ताबीर और तशरीह जो मुतवारिस चली आई है उसका रास्ता यही था कि सहाबे किराम ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की और फिर उन सहाबा ने ताबीन की तालीम दी, उनकी तरबियत की, वो ताबीन बन गए। ताबीन के बाद तबे ताबीन आए, वो तबे ताबीन बन गए। ये सिलसिला रोज अव्वल से इसी तरह चला आ रहा है और इंशाल्लाह कयामत तक इसी तरह जारी रहेगा। बीच में पता नहीं कितने दानिश्वर उठे हैं इस पूरे 1400 साल के दौरान।